और एक अहम खबर आ रही है कि भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर एक और सुरंग मिली है। कठुआ जिले के हीरानगर सेक्टर में दूसरी सुरंग डिटेक्ट की गई है। 10 दिन में सुरक्षा बलों ने दूसरी सुरंग का पता लगाया है। 10 दिन के भीतर दूसरी सुरंग। अंकित भट्ट हमारे संवाददाता और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं। अंकित, ये तो बहुत चौंकाने वाला है। देखिए, 10 दिन के अंदर बीएसएफ की तरफ से एक और सुरंग डिटेक्ट की गई है। दिनेश, हीरानगर सेक्टर में ये सुरंग जो है वो डिटेक्ट की गई है। ठीक गणतंत्र दिवस से ठीक पहले ये सुरंग जो है वो डिटेक्ट की गई है। ऐसे में आशंका लगाइए कि किस तरीके से पाकिस्तान लगातार ये प्रयास कर रहा है कि आतंकियों की घुसपैठ करवाई जा सके। लेकिन सरहदी इलाकों पे बीएसएफ की तरफ से ऑपरेशन सर्द हवा चलाया गया है और लगातार एंटी जो टनल डिटेक्शन का काम जो है, टनल डिटेक्शन ऑपरेशन जो है वो लगातार बीएसएफ की तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर चलाया जा रहा है। और ये हमारे जवानों की मुस्तैदी ही है जिसके चलते 10 दिन के भीतर ही एक और जो टनल है वो हीरानगर सेक्टर में बीएसएफ की तरफ से डिटेक्ट की गई है। दिनेश, इसमें ये पता चल रहा है क्या अंकित की, क्या इसका इस्तेमाल हुआ है और क्या यहाँ से काफी लोग, क्योंकि ये देख कर पता चल सकता है उनको जिसके एक्सपर्ट हैं, कि क्या ये इसका बहुत इस्तेमाल हो चुका है, इससे निकले हैं क्या लोग, आए गए हैं क्या लोग? देखिए दिनेश, जिस तरीके से आप इस्तेमाल की बात कर रहे हैं, हालांकि अभी तक जो बीएसएफ है वो अभी कुछ बोल नहीं रही, लेकिन इन सब के बीच में आपको बता दूं कि जिस तरीके से लगातार अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पिछले कई समय से हमने देखा इसकी टनल डिटेक्ट हो रही है। हमने नगरोटा एनकाउंटर में देखा कि किस तरीके से जैश के 4 आतंकियों ने टनल के जरिए घुसपैठ की थी। ऐसे में साफ जाहिर हो रहा है कि पाकिस्तान की जो इंजीनियरिंग विंग है, जो यानी कि पाकिस्तानी आर्मी, पाकिस्तानी रेंजर जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा के उस पार बैठते हैं, उनकी इंजीनियरिंग विंग के बगैर टनल बनना, खासतौर पर अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर, ये मुमकिन नहीं। साफ तौर पर मशीनरी किस तरीके से पाकिस्तान इस्तेमाल कर रहा है आतंक को लेकर, ये साफ जताता है, दिखा रहा है। अंकित, आप हमारे साथ बने रहिए। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारत वर्ष पर।